दोस्तों कुंडू न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाल इतकारी। किस पद पर है नगर पालिका में? मैं नगर पालिका में मनोनीत सभासद हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है। किन मामलों को लेकर आप नगर पालिका में बैठे हुए हैं आज? नगर पालिका में LMC का रखरखाव ठीक नहीं हो रहा है। LMC भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, उनके जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी पैरवी सही नहीं हो रही है। और नगर पालिका में जो गौशाला है उसमें जो है भूसे में बड़ा घोटाला है, जबकि आज तक 1100 रुपये का रेट नहीं रहा। नगर पालिका ने पिछले साल 1100 रुपये क्विंटल भूसा खरीदा है और जो मना कर रहे हैं। इसी प्रकार नाला निर्माण है जिसको शासन ने कहा है कि 50 लाख तक का नाले का निर्माण केवल नगर पालिका करा सकती है, उससे ऊपर का निर्माण शासन द्वारा जल निगम या सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाएगा सही मापदंडों के अनुसार, परंतु ये स्वयं करा रहे हैं जो ये खुला भ्रष्टाचार। 50 लाख रुपए से ऊपर स्वयं करा रहे हैं ये लोग? हाँ जी। जैसे कि नगर पालिका पे पहले भी कई आरोप लगा चुके हैं सभासद, उन सभासदों ने जो बराबर लिखा पढ़ी की, परंतु जिला स्तर पर किसी भी अधिकारी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इनकी सारी जांच हो, और जांच होने पर अगर वो दोषी कर्मचारी हो तो कर्मचारियों को दोष दंडित किया जाए, अगर मैं दोषी हूँ और मैं झूठे आरोप लगा रहा हूँ तो मुझे दंडित किया जाए। किसकी लापरवाही मानते हैं आप जो ये सब कुछ हो रहा है? मैं इसमें लापरवाही नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष और जो यहाँ जेई है निर्माण कार्य में घोटाला करा रहे हैं चंद्रपाल जी, उनका सबसे बड़ा रोल है। अभी किन मांगों को मिला, कब तक भूख हड़ताल करेंगे आप? जब तक मेरी मांगों की जांच के लिए अधिकारी तैयार नहीं होंगे तब तक मैं जो है 3 दिन तक धरना दूंगा, और उसके बाद जो है भूख हड़ताल, और उसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो मैं 1 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। तो अभी जो आप बैठे हैं वो धरना दे रहे हैं, मतलब चेतावनी दे रहे हैं भूख हड़ताल की? हाँ, चेतावनी भूख हड़ताल। लगता है प्रशासन सुनेगा आपकी? हाँ क्यों नहीं सुनेगा। इसके बाद आगे क्या लड़ाई रहेगी आपकी? आगे की लड़ाई अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा।